How's it? Hey guys, welcome back to my channel, Ruchi Style Corner. So if you are watching me for the very first time, do consider subscribing to my channel as I make different types of video. And today I'm vlogging, so yeah, let's just get started. ब्लॉग करी हूँ बिकॉज आज मुझे छोटे मोटे थोड़े बहुत काम करने हैं एंड अभी मैं जा रही हूँ मार्केट बिकॉज मुझे अपनी मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरे को वॉच में कुछ काम करवाना है एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस. मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि क्वेश्चन नहीं किया है मतलब ऐसे ही नॉर्मली पूछते हैं कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं बट स्टिल आप अलग अलग कपड़े क्यों नहीं पहनते हो. एक्चुअली द थिंग इज कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ बिकॉज पहले भी मेरे पास ये क्वेश्चन आता था. मैं अगर मार्केट वगैरह जाती हूँ या मॉल भी जाती हूँ तो मैं अकेली जाती हूँ और मैं कार से नहीं जाती हूँ, मैं ऑटो से जाती हूँ. और दूसरी चीज़, जब आप कुछ काम करने जाती हो ना, नॉर्मली घूमने नहीं जा रही हूँ मैं कुछ काम कराने, मतलब भागा दौड़ी इधर जाना उधर जाना ऐसे ऐसे करना रहता है, तो आई प्रिफर वेयरिंग कम्फर्टेबल क्लोथ्स. मुझे तब थोड़े से ऐसे टाइट क्लोथ्स या स्टाइलिश वाले, जो आप बोल सकते हो, वैसे क्लोथ्स पहनना नहीं पसंद है. तो मैं जितने कंफर्टेबल और लूज कपड़े पहन सकती हूँ उतने लूज पहनती हूँ. और अभी मुंबई का वेदर इतना ह्यूमिड हो रखा है कि आप टाइट तो पहन ही नहीं सकते हो सोचने का, तो आई प्रिफर वेयरिंग कॉटन. तो मैं ये पहनी हुई हूँ टी शर्ट विच इज़ फ्रॉम ज़ारा और ये बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड दिस बॉटम्स आर फ्रॉम H&M. तो ये भी जीन्स नहीं है, दिस इज़ लाइक अ कॉटन एंड विस्किस मटेरियल मिक्स टाइप का बॉटम है ये. तो मैं ये दोनों पहन करके जा रही हूँ और ऊपर मैं एज यूजुअल बन बनाने वाली हूँ. कैन यू सी, पता नहीं ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, कैन यू सी दिस, ये जो आपको मेरे इतने सारे ऐसी फ्रीजीनेस दिख रही है ना, ये मुझे टचअप करवानी है बिकॉज ये बहुत गंदी लगती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है. और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ये होती है, मतलब बाकी मेरा पूरा नीचे के जो बाल हैं वो सब स्ट्रेट ही हैं बट ये जो है मुझे इसको टचअप करवाना है, तो मुझे वो भी करवाना है. तो मुझे बात करके आनी है कि एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या करने के लिए मॉल जाना है. आई कीप ऑल माई, ये मैक का बॉक्स है और मैं इसमें अपनी सारी जो भी वॉचेज़ हैं वो मैं इसके अंदर रखती हूँ और इसके अंदर सारे मेरे जो भी वॉच है उसके बिल, सॉरी, इसके सारे बिल्स वगैरह सब इसके अंदर रखे हुए हैं. तो ये वाली जो वॉच है इसको लिए हुए मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुका है. तो आप ये देख रहे हैं इसका ये स्टड निकल गया है. तो स्टड की जो वारंटी है वो लाइफ टाइम वारंटी होती है और मशीन की वारंटी 2 साल की होती है. तो अगर स्टड्स निकल जाते हैं तो आप कभी भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं. तो मैंने ये शॉपर स्टॉप से परचेस करी थी, सो आई एम गोइंग टू शॉपर स्टॉप और मैं इसको, इसका जो स्टड है वो लगवा के की आने वाली हूँ. मुझे ये वाली जो वॉच है इसके अंदर जो ये इसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो और ज़्यादा लगवाने हैं वॉच का. मुझे ये जो स्ट्रिंग है वो कटवाना है, तो येस आई एम गोइंग फॉर दिस. ओके, सो आई एम ऑल रेडी और मैं निकलती हूँ अभी और जब मैं वहाँ से आ जाऊँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ. टिल देन बाय. आ गई हूँ एंड आई जस्ट रिसेंटली गॉट दिस सफोला ग्रीन कॉफी इंस्टेंट बेवरेज मिक्स. आप कॉफी पीते हैं, यू वांटेड टू जंप इनटू अ हेल्दी रूटीन, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस ग्रीन कॉफी इंस्टेंट मिक्स. होता है ये इस तरह के ऐसे सैशेज आते हैं, काफी अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा प्राइस ही नहीं है. तो आपको इसको अपने कॉफी जो भी मग है उसमें डालना है, आपका जो ग्रीन इंस्टेंट कॉफी है वो रेडी हो जाएगी. तो ये है और अभी मुझे लग रही है बहुत जम की भूख, तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ ब्रेड टोस्ट बनाने का सोच रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ब्रेड रखी हुई है. तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने घर को थोड़ा प्लास्टिक फ्री, मतलब प्लास्टिक कम कर रही हूँ. प्लास्टिक फ्री तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं कोशिश भी कर लूँ प्लास्टिक फ्री करने की तो इस तरह की चीज़ों को मैं कैसे रोकूंगी जो पैकेजिंग ऑलरेडी प्लास्टिक्स में आती है. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक्स में आती है जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. तो जिस लेवल तक मैं कर सकती हूँ उस लेवल तक मैं करूँगी. बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक में ही आती हैं बट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो बॉटल्स हैं ये सब रिसाइकलेबल बॉटल्स होती हैं, मतलब रिसाइकलेबल होती है कि नहीं होती है बट ये प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है. इसके ऑप्शंस जो मैं आपको अपने लास्ट वीडियो से बना चुकी हूँ. लेकिन ये जो पॉलीथिन्स, हम पतली पतली पॉलीथिन्स, लेस के पैकेट और ये सब जो हम यूज़ करते हैं ना, ये हम इधर उधर फेंक देते हैं, ये बहुत हार्मफुल है, ये रिसाइकलेबल नहीं है.
तो ये सब जो डब्बा डिब्बी ये सब भाई एक बार तब भी चल सकता है आप अगर BPA फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक्स भी आते हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं, BPA फ्री होते हैं और भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं उसके, तो अगर आप वो लेते हैं अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक तो एक बार बेटर है। बट स्टिल मैं तो ये बोलूंगी कि अब नया प्लास्टिक, अब जैसे मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे जो पॉट्स हैं, गमले हैं जो सब फाइबर के हैं, तो बहुत और भी चीजें हैं जो फाइबर की हैं, तो ऑब्वियसली उनको अब मैं रिप्लेस नहीं करूंगी, वो वैसे ही रहेगा। बट यस, अब मैं ये ध्यान में रखूंगी कि मैं आगे से कोई चीज प्लास्टिक की कोशिश करूं कि मैं ना खरीदूं उसको। तो यस, हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग जैसे हम ये सब चीज़ें फ्री कर रहे हैं, वैसे हम खाने पीने की चीज़ों में भी, जैसे हमारे जो मसाले हैं अभी तो खैर करंटली जैसे घी हो गया, घी प्योर हम घर से लेकर के आने लग गए, उसके बाद मिर्ची जो है वो भी हमारे घर से आई थी, मतलब घर से मतलब विक्की की जो बुआ जी हैं उनके यहाँ प्योर मिर्ची शायद गाँव में पिसती है या जो भी है, तो वहाँ से वो हमारे पास आई थी। तो वो तो एक डब्बा आता है तो 6 months हमारा चलता है क्योंकि हम दोनों हैं। तो हम लोगों ने शुगर कट डाउन कर दिया है अपने डाइट से। एज यू ऑल नो दैट आई एम अ टोटल चॉकलेट लवर, मतलब बहुत ज़्यादा मैं चॉकलेट लवर हूँ, और अगर मेरे घर में चॉकलेट रखी है तो मैं उसको खाती ही खाती हूँ। तो लास्ट मंथ हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया दैट हम लोग चॉकलेट्स नहीं लेकर के आए, तो घर में नहीं आई, मुझे क्रेव हो रहा था थोड़े थोड़े टाइम में, तो क्रेव हो रहा था मैं कुछ और खा रही थी, तो उसकी जगह मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। मैं ये खाती हूँ जब मुझे क्रेविंग होता है तो मीठे खाने का, तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, आई थिंक सबको पता है क्या है ये, मेरे दिमाग से बिल्कुल नाम उतर गया। तो मैं ये एक लेती हूँ और खा लेती हूँ जब भी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। तो चॉकलेट्स फिलहाल एक मंथ होने वाला है, 30 को अगर नहीं 30th आ जाएगी तो मेरा पूरा एक मंथ हो जाएगा विदाउट चॉकलेट। कैन यू इमेजिन दिस, चॉकलेट के मतलब मैं, और फिर उसके बाद मिल्क जो है वो ऑलमोस्ट मैंने बंद कर दिया है जो कि करना नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा मिल्क पीती हूँ, लेकिन द थिंग इज मैं जब भी मिल्क लेती हूँ तो मैं उसमें कम से कम 2 से 3 spoons टी स्पून आप ये बोलो कि मैं उसमें शुगर ऐड करती हूँ, एंड अगर मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ तो मैं जो जो चॉकलेट ड्रिंक आती है इसकी सिरप आते हैं चॉकलेट्स के, मैं वो बहुत सारा डालती हूँ, विच इज़ अगेन इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। और मेरा जो फेस पे ब्लॉटिंग रहता था ना यहाँ पे, वो भी मुझे लगता है उसकी वजह से होता है, जब भी मैं ज़्यादा चॉकलेट खाने लगती हूँ तो मेरा फेस ब्लॉटेड हो जाता है, और अभी राइट नाउ माई फेस इज़ नॉर्मल, ये मेरा फेस फैट ही है, इतना मेरा नॉर्मल फेस फैट है, बट वो एकदम से हो जाता है ना, बीच में कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि आप थोड़े से हेल्दी लग रहे हो, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं बहुत चॉकलेट कंज्यूम करने लगती हूँ, तो वो भी मैंने कट डाउन कर दिया। और क्योंकि हम लोग दाल बनाते हैं या बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें हल्की सी मिठास होता है, थोड़ा सा शुगरी टेस्ट होता है, तो हम शुगर की जगह उसमें हम जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं, तो जैगरी पाउडर ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू शुगर, तो जैगरी पाउडर को हमने स्विच कर दिया है शुगर से, बहुत कम से कम कोशिश करते हैं, एकदम बंद नहीं कर सकते हैं, तो बहुत धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे क्योंकि आपको क्रेविंग होगी चीज़ों को खाने की, जैसे जो लोग बहुत चॉकलेट्स खाते हैं और वो चॉकलेट्स छोड़ना चाहते हैं तो आपको वो क्रेविंग जाएगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग होता था चॉकलेट का। और उसके बाद हल्दी के लिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ करना स्टार्ट किया है, विच इज़ फ्रॉम महाब्रोज ऑर्गेनिक, तो ये भी काफ़ी अच्छी हल्दी है। What is the best part about this haldi is ये glass bottle में आई है, which is definitely an eco-friendly thing, plastic के में भी नहीं आई है, ना ही वो polythene वाले wrappers जो होते हैं उसमें आई है। और उसके बाद ये organic haldi है, आप इसको अपने face पे भी use कर सकते हैं, milk में मिला करके आप इसको use कर सकते हैं, और खाने में तो use करते ही करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे 2 bottles दिए थे, एक जो है एक हमारा already transferred है, जो हमारे मसालों के डब्बे उसमें ट्रांसफर्ड है उसमें चल रहा है, और एक ये है, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो मिर्ची, हल्दी और क्या मैंने बोला, जैगरी पाउडर हुआ है, और पंजाबी मसाला जो है वो ऑलरेडी हम प्योर लेकर के आए हैं, क्योंकि जब हम पंजाब गए थे अमृतसर तो वहाँ से प्योरेस्ट ही बोला था हमको, तो पता नहीं वो प्योर है कि नहीं है। इफ़ इन एनी केस यू वॉन्ट टू बाय दिस हल्दी और जैगरी पाउडर, और ये दोनों ही मैंने परचेस किया है नया। और हाँ, वो जो मैंने आपको कॉफ़ी बताई, ग्रीन कॉफ़ी, वो इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलेगा, मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगी सबके। तो ये है, और उसके बाद अभी हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड टोस्ट। Thank you.
मस्त बाहर एकदम बारिश तेजी से स्टार्ट हुई है, मेरी विंडो से यहाँ बाहर बारिश दिखती है और काफी अच्छी ग्रीनरी दिखती है। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं कितना ऑयली फूड खा रही हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। टुडे इज फ्राइडे, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो फ्राइडे हमारा लास्ट डेढ़ साल से ये रिचुअल रहा है कि फ्राइडे को जब भी विक्की ऑफिस से घर आता है ना, भले घर में खाना भी होता है हमारा, तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। फ्राइडे नाइट है, कल छुट्टी है, रिलैक्स मूड में, तो हम लोग लास्ट डेढ़ साल से हर फ्राइडे, मोस्टली हर फ्राइडे मान के चलो आप, हम लोग बाहर का खाते हैं। सैटरडे संडे जो संडे को जो खाते हैं वो अलग है, लेकिन फ्राइडे को कैसा खाते हैं, खाना भी खाते हैं लेकिन खाने के साथ एक एक बर्गर खाते हैं या वो जो चटपटा नान आता था ना मैकडी का, वो खाते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि क्रेविंग्स तो आपकी ख़त्म नहीं होगी, अब हम धीरे धीरे अपना चेंज कर रहे हैं, तो हमारी वो हैबिट हो चुकी है कुछ चटपटा आज के दिन खाने की। तो आई थिंक ये अच्छा रिप्लेसमेंट है घर का खाना उससे। ये भी फ्राइड है, वो भी फ्राइड ही रहता है, वो तो पता नहीं कब का बासा रहता है, या मैं फ्रेश बना रही हूँ, मैं अपने लिए फ्रेश बना रही हूँ, विक्की जब आएगा तब उसको गरम गरम बना के दूंगी। और वो पता नहीं कितना बासा कूसा आलू होता होगा, क्या होता होगा, तो उसका रिप्लेसमेंट ये है। तो आई थिंक उससे तो ये बेटर ही है, तो ऐसा है इसलिए मैं ये खा रही हूँ। और मैं आपको बाहर का व्यू देती हूँ एक सेकेंड। सो दिस इज़ बेसिकली द होल ग्रीनरी और ये मेरे किचन से ऐसा व्यू दिखता है, पूरा ग्रीनरी है। सो माई फूड इज़ रेडी और अब हमारा जो एज यूजुअल रिचुअल स्टार्ट होता है यूट्यूबर्स का, इंस्टाग्राम फोटो, तो मैं इंस्टाग्राम पिक्चर लूँगी एंड देन फिर उसको खाऊँगी। लेट मी टेस्ट इट। वो जो मैंने चटनी बनाई थी लहसुन वाली, वो अभी भी चल रही है एंड सबके साथ चलती है, वो क्वाइट टेस्टी। लहसुन की जो चटनी है वो ऑलरेडी काफ़ी तीखी है, इसलिए मैंने जो बेसन का जो घोला था जो मिक्स किया था उसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा चटपटा चीज़ें नहीं डाली थी, बिकॉज जो लहसुन की चटनी है मैं उसके साथ ही खाने वाली थी और उसमें सब कुछ है, ज़्यादा मसाला भी नहीं खाती हूँ मैं, तो ऐसा। फिर खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, शाम से बहुत तेज़, थाने में इतनी देर से नहीं हो रही थी बट अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। और आज 26 जुलाई है, 26 जुलाई जिनको नहीं पता है, जो लास्ट यहाँ पर बाढ़ आई थी 2000, मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, आई थिंक 6 में आई थी, 5 में आई थी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 5 या 6 में जब भी आई थी तब 26 जुलाई ही था। और विक्की अभी तक ऑफिस से नहीं आया, तो मैं उससे फ़ोन करके कंफर्म करी थी कि थाने में घुस गए हो कि नहीं, क्योंकि थाने में इतना फ्लडी नहीं हो जाता है बट उधर मेन मुंबई साइड बहुत ज़्यादा फ्लड के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और संडे को मुझे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जाना है, मतलब इस इवेंट को मैं कैंसिल नहीं कर सकती, बस मैं प्रे कर रही हूँ कि उस दिन बारिश ना हो। क्योंकि सो और भजिए बनाए गरम गरम, हाउ्स इट, हाउ्स इट, वेरी गुड, हाउ्स इट, वेरी वेरी गुड, हाउ्स इट, वेरी 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 गुड। तो आप मुझे इनाम में क्या दोगे? 10 रुपए उठ के आते हैं। तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए बैठ रहे हैं, बेसिकली ये वाली जगह मेरी है और ये विक्की की है, ऐसा नाम भी लिखा हुआ है हम लोगों का, वो मेरी ही है और ये विक्की की ही है, बट आज विक्की मेरी जगह पर बैठ गया है और मैं इधर बैठ गई हूँ। क्यों ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना खाऊंगी अभी और खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अब मैं शायद नहीं भी मिलूंगी, तो मैं सीधे कल के वीडियो में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सब खाना खाने के बाद बेड पे गिरने वाली हालत में हो जाते हैं। तो मैं आज का जो ब्लॉग है ना वो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन कल फिर से स्टार्ट करूँगी, तो मैं आपको मिलती हूँ कल, बाय।